है। ठीक है चलो, विल क्रिएट वन ईसी टू इंस्टेंस, उसमें एसएसएच करेंगे, कनेक्ट करेंगे उस इंस्टेंस को। आपको एसएसएच करना आ गया है ना, सबको सबने ट्राई किया है? यस सर, यस सर, यस सर यस सर। सर, ठीक है, किसी को कोई इश्यूज? नो सर, अगर हाँ नो, ठीक है, अगर है ना तो एक दूसरे को पूछ लिया करो, क्योंकि जिसका हो गया है ना, ही कैन हेल्प यू, ही और शी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई फेवर कर रहा है, उसकी भी रिविजन हो जाती है, क्योंकि किसी को पढ़ाना ना, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी दैट यू कैन डू। अगर आपको टाइम है और किसी को एक चीज नहीं पता है, उसको पढ़ा के ना आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे को हेल्प आउट करो, जिसने किया है और जिसका परफॉर्म हुआ है, शायद फ्यूचर में कोई चीज होगी आपकी परफॉर्म नहीं होगी, तो यू विल एक्सपेक्ट समवन एल्स टू हेल्प यू आउट। तो पहले खुद हेल्प करना सीख लो। ठीक है, अभी का टाइम नहीं है सेल्फिश होने का, कोलैबोरेटिव स्टडी अभी से करा करो। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ आपका रैपो जुड़ता है उसके साथ करो, सबके साथ हमारा नहीं होता है उतना अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ओके, लेकिन जिनके साथ भी आपका अंडरस्टैंडिंग है तो साथ में पढ़ा करो, क्योंकि ना ये बहुत लेट रियलाइजेशन होता है। हमें भी हमारे सीनियर्स बोलते थे यार साथ में पढ़ा करो, हम लोग हमारी बैच में साथ में पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन ये ना आखिरी तक हमें समझ में नहीं आता इसका इम्पोर्टेंस। साथ में पढ़ते हो ना तो आपको ना और बहुत डायमेंशन मिल जाते हैं। आप की तो पढ़ाई करते ही हो, लेकिन अगला बंदा कुछ और अगर एक्सप्लोर कर रहा है और आप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू फाइंड इट यूजफुल, यू गेट टू नो अबाउट इट। अदरवाइज आपका अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है ना किसके साथ पढ़ने का, मतलब आप खुद से ही इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, तो हम लोग ना एक अपने हिसाब से अपने ट्रैक में चले जाते हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते कि हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। एक किस्सा बताता हूँ मैं, मेरे बैच का मेरा एक दोस्त है, तो उसने ना स्टार्टिंग में जब AWS शुरू हुआ था, AWS के पहले शायद पाइथन के टाइम पे, स्पार्क वगैरह, उसने ना मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था और वो बहुत आगे चला गया स्पार्क में। ठीक है, उसको बाद में पता चला कि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पढ़ते हो और आपको कुछ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है ना, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, सो एक दूसरे को हेल्प करो, इतना ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब भी प्रैक्टिस करोगे तब आगे जाके ना थोड़ा इजी हो जाएगा सर्विसेस। ये चलो एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं हम लोग। हेलो सर, यस नाउ बिफोर 2 days वी हैव क्रिएटेड द इंस्टेंस, सो कैन्ट वी यूज दैट सेम इंस्टेंस ओनली और वी नीड टू क्रिएट द डिफरेंट ओनली? We have terminated that, no? ओके, सो We वी have कैन, terminated. ओके It ओके ओके disappears. It does disappears after some time. आपको ओके वाई पे कुछ टाइम के लिए विजिबल रहता है टर्मिनेटेड स्टेट में, बाद में उसका ओके जब AWS का इंटरनल क्लीनअप होता है ना, तो वो डिस्प्ले से भी चला जाता है। एज यू कैन ओके सी ओके इज नो इंस्टेंस डिस्प्ले हियर, देखो कोई है यस इंस्टेंस, यस यस राइट? तो हम लोग यस कर नहीं सकते, वो टर्मिनेटेड ओके स्टेट को आप ये नहीं कर सकते हो। अगर वो इंस्टेंस टॉप स्टेट में है उसको रिस्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ओके 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 क्या इशू क्या जिस व्यू में से ठीक है, हम लोग लिनक्स बेस लेंगे, 2 माइक्रो,
अभी पेंडिंग स्टेट में, इसलिए कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है हमें, विल वेट फॉर दैट स्टार्ट इट सीएलएल. याद है किसी को कमांड बोलो. डैश आई आईफोन आया, यस आईफोन आया. उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग, पाथ मेरा एड्रेस क्या डालते हैं, पाथ 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 इसका किस चीज का पाथ, पेर का, पेर का, पेर का. यार एक सेकंड, मैंने गलती कर दी, मैंने दूसरी की पे डाल दी. ठीक है, इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं क्या, देखते हैं कि वो कीपर है नहीं मेरे इसमें. इट्स टर्मिनेट दिस वन स्टेट वन मोर, क्योंकि मेरे पास वो कीपर ही नहीं है ये डेस्कटॉप, मतलब ये पीसी में. समझ में आया क्या मैंने क्यों टर्मिनेट किया अभी? यस यस सर, यस सर. बोलो कोई एक, बोलो सर बताओ कोई एक. वो कीपर कीपर अटैच की थी सर, वो एग्जिस्ट नहीं थी आपके लैपटॉप में, तो उससे क्या होगा, वो कनेक्ट नहीं होगा ना सर, कनेक्ट करने के लिए कीपर की जरूरत लगती है. दूसरी कीपर है तो उससे नहीं कर पाऊंगा क्या मैं कनेक्ट? लेकिन जब इंस्टेंस क्रिएट किया था तब वो एसोसिएट नहीं की थी ना सर आपने, जो यस एग्जिस्ट करेक्ट है वो. करेक्ट करेक्ट, मतलब समझ में आ रहा है आप. ठीक है, मतलब जो नो दोनों जो इंस्टेंस में दिया है उसी से एसएसएस कर सकते हो, बराबर? करेक्ट. यस देखो, हमने अभी हमारे पास जो है वो की पेयर सिलेक्ट किया है, लेट्स क्रिएट दिस इंस्टेंस. हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके दिखाया था ना, मतलब मैंने इनबाउंड आउटबाउंड रूल सेट किए थे, हमने पोर्ट वगैरह सिलेक्ट किए थे, राइट? यस सर. हाँ ठीक है. चलो तब तक सीएमडी में पाथ कॉपी कर लेते हैं की पेयर का. इसके बाद क्या करना है मुझे बताओ कोई भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है. कनेक्ट बोलो. पे क्लिक कीजिए, ओके कनेक्ट कर, कनेक्ट. और अभी कॉपी यूजर आईडी भी डालना एग्जाम्पल पड़ेगा जो लास्ट का सर. एग्जाम्पल यस, ये कॉपी करूँ क्या मैं? ये एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल कॉपी. ईसी टू से आगे. अच्छा, ये हाँ यहाँ सर, से, राइट? हाँ ईसी टू से आगे. हाँ ठीक है, थैंक यू. हो गया हमारा एसएसएच यस यस यस. एक सेकंड दे दो मुझे बस, कम बैक एंड. हाँ,
यस आई एम बैक। तो अभी हमें EC2 इंस्टेंस में ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? ये लिनक्स बेस्ड इकोसिस्टम है राइट? तो इसमें लिनक्स लिनक्स आपको पता है लिनक्स क्या है? किसी को पता है लिनक्स क्या है, कैसी कैसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कमांड्स होते हैं, सब पता है कुछ भी किसी को भी? ठीक है नो सर, मींस जस्ट नो द लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम बट यस। डजंट नो एनीथिंग एल्स। नॉर्मली ना लिनक्स बेस्ड मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें आप मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ना यूजिंग इट्स कमांड करते हो। ठीक है, मतलब कमांड लेवल से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा नहीं है लिनक्स में। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स प्रोसेसिंग इज वेरी फास्ट। तो विंडोज में देखोगे, विंडोज में यूआई बहुत ज्यादा है। यूआई एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे बर्डन क्रिएट करता है प्रोसेसिंग में, क्योंकि वो खुद प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करता है राइट। तो लिनक्स इज मिनिमल यूआई बेस्ड सिस्टम है राइट। तो वो इसीलिए कोडिंग के एनवायरमेंट्स के लिए ज्यादा यूज होती है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कोडर्स को कमांड्स के साथ एक अवेयरनेस होता है, तो दे डू प्रीफर लिनक्स ओवर जनरली ओवर विंडोज। ठीक है, तो वही है। तो लिनक्स में ना कमांड्स होते हैं, तो हम लोग ना इसमें कुछ चीजें देखेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें ना दो पैकेज मैनेजर सॉर्ट ऑफ थिंग्स है। जैसे एक एपीटी पैकेज मैनेजर है और एक है यम। ठीक है, तो हम ना एपीटी यूज करेंगे। जैसे सिंपल कमांड होती है सुडो, सुडो मतलब रूट यूजर। ठीक है, तो हमें कुछ इंस्टॉलेशन या फिर कुछ डिपेंडेंसीज अगर करनी है तो वो एडमिन लेवल एक्सेस से करनी पड़ती है, इसलिए कमांड में ही ना हम लोग सुडो डाल देते हैं। ठीक है, तो सुडो इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सुडो एपीटी, अगर कमांड नोट डाउन करनी है तो करो। ठीक है, सुडो एपीटी। चलो पहले अपडेट कर लेते हैं हम लोग इसको कि हमारे अप टू डेट है या नहीं पैकेजेस। क्या हुआ? ओके, तो कैसा है ना, उस लिनक्स में भी ना बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है। तो शायद ये उबंटू के लिए एपीटी यूज होता है, और ये क्या बोलते हैं सेंटोएस कुछ है, और उसके लिए यम यूज होता है। तो हम लोग अभी यम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि एपीटी इसमें वर्क नहीं करेगा। हमारे इंस्टेंस जो हमने एएमआई सिलेक्ट किया है उसमें एपीटी यूज नहीं करता है मतलब हो रहा है, तो हम लोग यम करेंगे। दोनों पैकेज मैनेजर ही। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच पैकेज मैनेजर इज वर्किंग फॉर योर इंस्टेंस आप वैसे यूज करो। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ भी यस समझ में सर, आया? यस यस, एपीटी और यम क्या है, समझ में आया? हाँ हम सर, डाल दे, ठीक है, यस हम लोग इसमें डाल देते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट डाल देते हैं। आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो कमांड भी मैं डालते जाऊंगा थोड़ी बहुत। ये किस चीज के लिए है आपको समझ में आ रहा होगा, आप बाद में खुद के नोट्स को अपडेट कर देना आगे लिख के कि क्या कौन सी कमांड क्या चीज परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग ना, एक डायरेक्टरी वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, mkdir करके कमांड है, मेक डायरेक्टरी। mk मतलब मेक, डीआर मतलब डायरेक्टरी। अभी आप डायरेक्टरी नेम डाल सकते हो, क्या डालोगे नेम? चलो डेमो डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, अभी इस डायरेक्टरी में ना हम लोग क्या बोल सकते हैं चेंज डायरेक्टरी करते हैं और इस डेमो में जाते हैं। ठीक है, सीडी टू डेमो। देखो सर, दिख रहा है आपको आगे हम लोग डेमो में गए हैं, कैसे समझ रहा है, किसी को समझ में आया? यस क्या समझ में, सो बोलो। एक्चुअली जैसे मतलब अपन कमांड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते तो डायरेक्टरी शो करता है ना स्टार्टिंग यस में, तो वैसे यहाँ यस पर भी डायरेक्टरी शो कर रहा है डेमो करके।
राइट हाँ ना, हम पहले डेमो में नहीं थे हम लोग, राइट। अभी हमने सिटी डेमो किया तो वहां पे डेमो दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल फाइल क्रिएट करते हैं, हाँ, ये डेमो डायरेक्टरी में। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है टच डेमो फाइल डॉट txt, ठीक है। तो हम अगर हमें ये फाइल देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ls कर सकते हैं इसको, ls लिस्ट दिखाएगा। देखो, हम ये डायरेक्टरी में जो भी फाइल है ना उसमें दिखा रहे हो, हमने अभी क्रिएट की, राइट, डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, तो अभी दिखा रहे। ये चीजें आप नोट डाउन कर पाओगे या मैं कॉपी करते जाऊँ यहाँ पे, बोलो। राइट डाउन करेंगे सर। मुझे कॉपी करने की जरूरत है क्या? बोलो बोलो, फ्रैंकली बोलो, नॉट एन इशू, मैं कर सकता हूँ कॉपी वहां पे अगर आपको। नॉट करूँ? कॉपी कर सर। चलो, बनाया हमने डेमो, मैं एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा वहां पे, आप खुद से फिगर आउट कर लेना। हमने जो जो ली है, जो अभी कुछ लोग हैं जो खुद से नोट डाउन नहीं कर सकते, उनके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और क्या किया था हमने, लिस्ट किया था, ls ls इज फॉर लिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, चलो हम लोग ना मेरे लोकल मशीन से हम लोग वीएम में ना कुछ चीज कॉपी करके देखते हैं। तो उसके लिए कॉपी के लिए कमांड है cp, पहले मुझे सोर्स एड्रेस देना पड़ेगा, सोर्स लोकेशन में कॉपी कर दो कहीं से। एक फाइल है हमारी सिलेबस कवरेज की फाइल है, वही डाल के देखते हैं। कॉपी एज पाथ, आई थिंक मुझे ना यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश चलेंगे क्या, लेट्स सी, ट्राई इट आउट करते हैं। और डेस्टिनेशन पाथ, ओके, चलो पहले pwd कर लेता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी डायरेक्टरी। pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्टरी कॉपी कर लेती है क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पाथ चाहिए, राइट, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं, ये क्या किया मैंने pwd, pwd मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। उससे क्या होता है, जो डायरेक्टरी में हम है ना उसका पाथ वो प्रिंट करके दे देगा आप, ठीक है। ये आपका पाथ हो गया, हम लोग डालते हैं cp cp होम, लेट्स सी वर्क करता है। ओके, नॉट स्टार्ट, ओके, नो फाइल डायरेक्टरी, ओके। देखो इसमें क्या इशू आ रहा है हमें पता है क्या, विंडोज बेस्ड सिस्टम में ना शायद पाथ, सर वो लास्ट का सिलेबस अंडरस्कोर कवरेज डॉट टीएक्स निकालना पड़ेगा। और क्यों, उससे उसे समझ में कैसे आएगा कौन सी फाइल लेनी है, इसको रॉ करना पड़ेगा क्योंकि दिखाता हूँ मैं, हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, ओके 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 ओके, हमारे पाथ में ना स्पेसेस है, वो एक इशू कॉज करता है। रुको, मैं मेरा ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ,
ये अभी होता है। हाँ चलो, हम लोग ना हमारे लिमिटेशन आ गए तो हम लोग चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, हमसे नहीं हो रहा है तो ठीक है। ओके, हमें ना इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना चाहिए सर, एससीपी है कॉमा, सिक्योर कॉपी। ओके गॉट इट, एसआईपीएल चला। ओके हाँ, बोलो। वहां पे ना आईपी भी डालनी है हमारे शायद। आईपी कॉन्फ़िग है ना, आईपी कॉन्फ़िग से आईपी मिलेगा हमें। किसी को पता है आईपी वाली कमांड? आईपी कैसे लिनक्स में देखते हैं, पता है क्या? हाईएस्ट कौन सी? आई एफ कॉन्फिग डॉट मिल थे सिक्योर आईपी सिक्योर्स। आई एफ कॉन्फिग डॉट मिल थे ठीक है। चलो, हमें आईपी तो मिल गई, लेट्स सी। वाली कमांड करके वाली कमांड देखते हैं। हाँ, तो इसमें आईपी कॉपी कर लीजिए हमें इसी टू यूजर आईपी एड्रेस। ठीक है, चलो। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? यस यस सर। ठीक, हाँ देखते हैं कंडीशन।
यस परमिशन डिनाइड ओके क्यों कॉपी कमांड क्यों नहीं वर्क कर रहे हम एक सेकेंड डोंट सी ठीक है हम लोग एरर रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एसएसएच की पेयर नॉट सेटअप ओके इनकरेक्ट एसएसएच की वो भी इशू नहीं हमारा परमिशंस ऑन एसएसएच की तो इशू ही नहीं है ओके फाइल परमिशन चेक करने पड़ेंगे हम एस एस एच तो हो गया है हमारा ना कॉपी नहीं हो रहा इसमें एस एस एच का इशू क्या बता रहा है किसी ने सर्च किया का क्या इशू है आप भी सर्च करो आप भी सर्च करो कोई सॉल्यूशन मिलता है तो बताओ मुझे भी ठीक है आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट ठीक है लेकिन लोकल फाइल में से सी एच मोड कैसे करेंगे आप सी एच मोड टू डेमो करना पड़ेगा शायद ठीक है पहले बाहर जाते हैं ठीक है टीम सी अभी वर्क करता है कि देखते हैं तो इशू ओके आई थिंक हमारे ना एसएसएच की पेयर का कुछ इशू आ रहा है ठीक है अभी के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट ऑफलाइन ठीक है तो हम लोग आगे की कमांड पे मूव करते हैं अभी के लिए ठीक है तो हमने एक फाइल क्रिएट की थी राइट डेमो में चलो डेमो में जाते हैं उस फाइल में कुछ कंटेंट डालते हैं तो कोई फाइल ओपन करनी होगी ना हमने डेमो अंडर स्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी कुछ क्रिएट की थी तो उसको दो एडिटर्स है आपके यहाँ पे लेना कैट सॉरी कैट यूज करके ओके कैट भी कर सकते हैं कैट से भी राइट और रीड कर सकते हो लेकिन नैनो एडिटर करके है नैनो नैनो फाइल नेम
से भी कर सकते हो। यस यस चिन्मय, जस्ट अ क्वेश्चन, वी आर ट्राइंग टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम लोकल डायरेक्टरी टू ईसी टू, राइट? यस यस आई थिंक सो द कोड वुड बी एससीपी, देन द पेम की फाइल पाथ, देन द पाथ वेयर द फाइल इज करंटली स्टोर इन लोकल, हाँ एंड हाँ देन वेयर वी नीड टू स्टोर इट ऑन ईसी टू. ओके, देर इज वन मोर पैरामीटर ऑफ यस, ईसी पेम टू की. कीप है। ओके यस, ओके चलो ठीक है, वो ट्राई करते। चलो तो हम एक पैरामीटर मिस आउट कर रहे थे इसमें, है ना, तो यहाँ पे हमें पेम की का पाथ है। अगर वर्क करता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग उसको स्किप करके आगे जाते हैं। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट ऑफ टाइम, क्या इशू आपको बता दूंगा। एससीपी हाइफन आई. या ओके बनाए बाद में पेम फाइल का पाथ, राइट, राइट. तो ऐसे ही देना है इसको। यस ओके और बाद में सोर्स, यस, राइट, सोर्स हो गया, और फिर डेस्टिनेशन. बाद में डेस्टिनेशन, करेक्ट सिंटैक्स, इट्स राइट। नहीं वो कनेक्शन का इशू दे रहा है, नॉट सर, एक्सेसिबल। आपको फर्स्ट की जो आपकी डाउनलोडर है ना, वहाँ पे जाइए ना, वहाँ पे फर्स्ट की, और आई थॉट वहाँ पे अंडरस्कोर है शायद, जो आपने फाइल डाउनलोड में की है ना. अरे मैं वहां से ही तो कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं सर, यहाँ पे लिखा है ना, तो फर्स्ट अंडरस्कोर की, उसके की के बाद में भी एक है शायद. क्या है, नहीं सर, लास्ट में किया था शायद. अरे मैं यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे गलत कैसे आएगा वो, यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ फाइल पे क्लिक करके, राइट, एससीपी हाइफन है। नहीं कुछ कनेक्शन का इशू है, आई डोंट सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिटी सी एडमिन डाउनलोड फर्स्ट पर नॉट एक्सेसिबल ना, इसमें ऐसा तो नहीं कि अपने को एक की पेर इसमें भी लगेगा, इसी टू पे? इसी टू पे तो है ही ना, इंस्टेंस के पास हमने जो प्रोवाइड किए थे क्रिएट इंस्टेंस करने के टाइम पे, तो की पेयर तो है ही उसके पास, फर्स्ट अंडरस्कोर की पेयर डॉट पेम। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पाथ फॉर की पेयर ऑन द लोकल, इफ वी ट्राई यूजिंग द लोकेशन ऑफ की पेयर ऑन ईसी टू, वोंट दैट वर्क? कहाँ पे होती है फिर, जिसी टू इंस्टेंस पे की पेयर कहाँ पे होती है, आई एम नॉट श्योर। ओके ओके एसएसएच फोल्डर में होती है शायद, है ना, राइट. एसएसएच फोल्डर, फोल्डर पाथ पता है किसी को, ls-a-l. रुको रुको मैं डालता हूँ। ये फाइल नेम भी लगेगा ना, बताओ। मैं पता नहीं, चेक करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, अब करो चेक एक बार, चैट में कॉपी पेस्ट करो ना, आई थिंक यहाँ पे भी वो वही बोल रहा है इसकी। ठीक है हम लोग डालते हैं, होम इसी टू हाइफन यूजर डॉट एस एस एच। हाँ यही होगा राइट, आई डी अंडर स्कोर आर एस ए, आई डी अंडर स्कोर आर एस ए पब्लिक, यूजिंग लिनक्स सिस्टम ओके ओके सेकंड यहाँ पे
EC2 यूजर, हमारा भी EC2 हाइफन यूजर ही है, .ssh अंडर, ये तो पेम फाइल अलग नाम से सेव होगी इंटर के लिए, राइट, प्राइवेट की। चलो यही डाल के देखते हैं, पहले वो ट्राई करते हैं, इफ इट वर्क्स वर्क्स, ओके अदरवाइज। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ये? कुछ मतलब वर्क तो नहीं कर रहा है हमारा सॉल्यूशन अब तक, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम ना आपको बहुत वेद से ट्राई आउट करना पड़ता है तभी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है? तो ईच फेल्यूर ऑल्सो टीचेस यू मेनी थिंग्स, तो हमें पता चल रहा है बहुत सारी चीजें कि क्या करना है क्या नहीं है कहाँ पे। अभी हमें बात पता चल गया कि इसे की पैर कहाँ पे रहती है, ठीक है? नहीं ठीक है, चलो आई टेक दिस ऑफलाइन, ठीक है? और मैं कल आपको, कल नहीं परसों का सेशन में ना एक क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है? बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि कवर करना है हमें चीजें, आपके एंड से भी ट्राई करो, इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन इट्स गुड, ठीक है? तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इससे भी इम्प्रूव होगी, ठीक है? नहीं तो मैं आपको वेडनेसडे को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, सो लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम, ठीक है? तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग नैनो से ओपन करने वाले थे, राइट? ठीक है चलो, नैनो डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, देखो हमें कुछ अगर डालना है ना, यू कैन मतलब कोई भी फाइल है एक, कोई भी सिस्टम में तो बहुत सारे एडिटर है, जैसे नैनो एक एडिटर है, वैसे VI करके एक एडिटर है, और किसी ने बोला था कैट, कैट से भी कर सकते हो आप कोई फाइल को, अगर आपको ओपन करना है और राइट करना है कुछ उसमें तो कैट से भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो हम कुछ डालते हैं, चलो PW इज बेस्ट, ठीक है? चलो इसको यहाँ पे ऑप्शन है, आपको क्या करना है, कंट्रोल ओ से राइट आउट कर सकते हो आप, ठीक है? लेट्स राइट इट आउट, कंट्रोल ओ ही है ना वो, यस कंट्रोल ओ, ठीक है? और कंट्रोल एक्स से बाहर जा सकते हैं ना, वहाँ पे ऑप्शन एक्स, ओके वहां से बनने से, ठीक है? से बाहर जाने कौन से, ठीक है चलो। क्या हो रही है, क्या एग्जिट क्यों नहीं हो रहा यहाँ से? अच्छा
पेंटियम फाइव। टाइप कंट्रोल एक्स देन प्रेस वाई देन इट विल बी एग्जिट। कंट्रोल एक्स तो किया हमने इसके पहले, चलो हाँ कंट्रोल देन एक्स, कंट्रोल एक्स किया, प्रेस वाई। वाई किया हमने, वो वापस आ रहे हैं इस पे। एम हाइफन ए डालना पड़ेगा शायद हमें यहाँ पे, एम हाइफन ए फाइल। ओके हम लोग पढ़ नहीं रहे यार यहाँ पे। फाइल नेम टू राइट ना, डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, और फॉर्मेट देना पड़ेगा शायद हमें स्पेस एम हाइफन ए सेव। यस ओके ठीक। चलो अभी इससे क्या सीखा हमने बोलो, बताओ बताओ इस मिस्टेक से क्या सीखा हमने। मैं सिर्फ ट्राई किए जा रहा था ठीक है। हमने ना कमांड ही नहीं पढ़ी, मतलब वो जो भी पॉपअप आ रहा है वहां पे हमने देखा ही नहीं कि फाइल नेम सिलेक्ट, मतलब फाइल नेम का मोड भी सिलेक्ट करना था आगे ठीक है। फाइल नेम चेंज कर दिया हम ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें ना हम लोग फाइल नेम को वही नेम से भी सेव कर सकते थे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे क्लिक करके हमें मूव आउट करना था वहां से, तो हमने वो नहीं किया, तो इतना टाइम वेस्ट हो गया ठीक है। तो इसलिए ना पढ़ा करो जो भी चीजें आगे आ रही है, तो मैं तो भूल गया लेकिन आप मत करो ऐसे मिस्टेक ठीक है। चलो उसको ओपन करके देखना है क्या फिर से, नेक्स्ट कमांड पे यस जाते हैं नहीं तो ठीक यस है। देखते सब नैनो डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, क्या नाम था उसका, हमने आगे कुछ दिया था क्या, थोड़ी एलएस करके। हाँ ये नाम हो गया उसका, लेट्स कॉपी दिस वन। ओके हाँ देखो आ गया जो लिखा था आ गया उसमें, मतलब हमारे चेंजेस सेव हो गए थे ठीक है। चलो और कोई कमांड इसको हम लोग देख सकते हैं। आप ना थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ लिनक्स देख लो, मतलब नॉर्मली डायरेक्टरी चेंज करना या फिर डायरेक्टरी बनाना पाथ, ये सब चीजें देख लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ना कंपनी में जरूरत पड़ती है तो यू यू विल गेट यूज टू इट। हम लोग इतना ज्यादा तो यूज नहीं करते ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट जाता है हमारे लिए, हम हमारा सबका बैकग्राउंड नहीं है इसमें, हमने सबने पढ़ा नहीं है ये लिनक्स वगैरह कॉलेज में ये सब ठीक है। तो अभी के लिए एक सिंपल कोई वीडियो देखो जो बेसिक 10-12 कमांड है, उससे ज्यादा मत जाना ऊपर। बेसिक कमांड जो भी आज हमने देखी है उसके ऊपर जो भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमांड होगी मूव वगैरह करने की, कॉपी करने की, ऐसी थोड़ी कमांड्स, बेसिक कमांड्स देख लो, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको ठीक है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट है लिनक्स में, पहले से बैकग्राउंड है तो कर लो, उसका इश्यू नहीं है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिनके लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट है, सीएलआई समझ में ना मेरे को बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी आती थी मुझे, क्योंकि मुझे ना ये इंटरफेस ही समझ में नहीं आता है, इतने सारे वर्ड्स दिखते हैं यहाँ पे और बाकी कुछ है ही नहीं, तो सारी चीजें कमांड से होती है, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी आती। आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ठीक है, तो मैं तो अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ठीक है। तो नॉट नेसेसरली कि आपको सीएलआई आना चाहिए ठीक है, बेसिक्स ऑफ सीएलआई अगर आ गया आपको तो इनफ है, तो इसीलिए बेसिक कोई वीडियो देख लो, 10-12-15 कमांड्स देख लो, सो दैट इतना भी अनअवेयर नहीं होना चाहिए कि अगर हमें जब हमारी प्रोफाइल में, मतलब हमारा काम है समझो उसमें कुछ लिनक्स का पार्ट आता है, तो हमें ऐसे ब्लैंक आउट वाले स्टेट में नहीं जाना है कंपनी में, एटलीस्ट वी शुड नो कि देर आर सर्टेन कमांड्स लाइक दिस एंड दैट ठीक है। तो उसके लिए उतना ही अवेयरनेस जरूरी है, और उतने भी मोड में मत चले जाओ कि यार लिनक्स पे ही सब होता है कंपनी में, मुझे तो लिनक्स सीखना है, एक कोर्स कर लेता हूँ। देर वर फ्यू पीपल जिन्होंने ये किया, लेकिन इतनी कुछ भी जरूरत नहीं है,
हम लोग फ्रंट एंड या फिर बैक एंड डेवलपर नहीं है, तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, बेसिक्स कवर करो, इट्स गुड टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो इसके भी बेसिक्स कवर कर लो, बेसिक चीजें इसी को इंस्टेंस पे या फिर खुद के लोकल इसमें WSL डाल के करना है आपको। WSL मतलब विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स होता है, तो आप अपने खुद के लोकल मशीन पे विंडोज सब सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर WSL में ट्राई करना है, अगर लिनक्स का प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा डीप में जाना नहीं है एज सच, क्योंकि एज सच जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने जितने लोगों के साथ बात की है अभी, मेरे जितने भी दोस्त इंडस्ट्री में है पहले से कॉलेज से, तो इतना ज्यादा जो डेटा इंजीनियर्स है उनको इतना ज्यादा लिनक्स की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये बोलूंगा अगर वो कोई फुल स्टैक डेवलपर है तो वो लोग VM पे काम करते हैं, तो लिनक्स इंस्टेंसेस पे काम करते हैं वो लोग ज्यादा। ठीक है, तो उनको बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें एज सच नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए बस, नहीं है तो इसमें हम लोग और कुछ ज्यादा कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो और क्या कवर कर सकते हैं इसमें? पाइथन इंस्टॉल करके देखे क्या? तो पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल पाइथन 3। हाँ ठीक है, चलो कुछ प्रिंट करके देख लेते। अच्छा ठीक है, ठीक है, पाइथन तो इंस्टॉल हुआ है। तो प्लस 10 करके देख लेते हैं। ठीक ठीक फर्स्ट yes. स्टार्ट भी पढ़ाई पाइथन शेल हाँ सिलाब टाइप पाइथन बराबर बराबर। पाइथन बिना पाइथन शेल के क्या करता? पाइथन 3 ना, पाइथन 3 से शेल करेंगे। यस ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल हो गया, हमारी चीजें वर्क भी कर रही है, मतलब हमने अपने इसी इंस्टेंस पे पाइथन की डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसी इंस्टेंसेस के बेसिक लिनक्स कमांड के रिलेटेड चीजें। तो हम लोग ना यहाँ से हम लोग अभी अपना CLI इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो इस पे, थोड़े बेसिक्स कमांड्स की। ठीक है, तो अभी ना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाँ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AWS CLI। तो CLI इंस्टॉल करने के लिए ना वेब पे जाओ और बोलो उसको कि डाउनलोड AWS करो साथ में, ये अगर कर रहे हो कोई रियल लाइफ फॉर विंडोज AWS साइट आती है। हाँ, तो यहाँ से कोई इंस्टॉलेशन उठा लो और उसको रन करो एप्लीकेशन को। ठीक है, मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी CMD में जाके ना CLI कॉन्फिगर करते हैं हमारे।
ठीक है, इसके पहले का समझ में आया क्या हमें? जो भी हमने EC2 इंस्टेंसेस में लिनक्स की कमांड्स डाली, कुछ भी समझ में आए किसी को? यस आई है ना? मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ी हमारे हुई है आज कंफ्यूजन, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है। आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत ना, ये कमांड्स में थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशंस आता ही है, ठीक है, और कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती है हमें टाइम पे, लेकिन एटलीस्ट मैं ये नोटपैड में जो भी कमांड्स डालो डाल रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिस कर दो। क्या क्या थी कमांड्स? चलो अपडेट कर लेते इसको, नैनो फाइल नेम, ठीक है, और क्या थी बोलो, इसको याद है? हाँ, SCP इंस्टॉल, कोई भी जो भी पैकेज डालना है वो कर लो, पैकेज है फन है। क्या थी और? curl-ipconfig.me हाँ वो तो इसके लिए थी, कॉन्फिग के लिए थी, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ये बेसिक कमांड्स में कुछ मिस आउट कर रहे हैं हम लोग। SCP हाँ मतलब कॉपी की कमांड थी ना वो, हाँ हाँ HTTP की कमांड थी ना वो, देख लो आप डाल लेना जो भी करेक्ट कमांड है इसकी, हमारा वर्क नहीं हुआ था ये, ठीक है, तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे कोई वेडनेसडे को, ठीक है। और मूव की भी कमांड होती है, वो भी देख लो एक बार, ठीक है। और कोई कमांड मिस की है हमने? अगर है की है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे सर से लेके, तो अपडेट कर लेना खुद से, ठीक है। तो अब CLI में देखते हैं हम लोग, तो मेरे इसमें AWS CLI इंस्टॉल्ड है, तो पहली स्टेप होती है AWS कॉन्फिगर करना, ठीक है। लेकिन AWS कॉन्फिगर करने से पहले हमारे पास ना अपनी अकाउंट की एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की होना जरूरी है। सो लेट्स गो देयर। हमने कभी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की डाउनलोड ही नहीं किया हमारी, ठीक है। तो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि हमें अपने रूट अकाउंट के एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ कीज कैन कॉज अ वेरी ह्यूज डैमेज, ठीक है। तो हमने IAM यूजर क्रिएट किया था ना, तो हम उसकी एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की ये करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो मेरा IAM यूजर का लॉगिन है अभी भी यहाँ पे है, तो हम लोग उसकी एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की डाउनलोड करके उससे AWS कॉन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो IAM में जाओ, ये प्रोसेस है हमें एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की डाउनलोड करने का, ठीक है, ध्यान से देख लो, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ठीक है, यहाँ पे होता है, ये देखो एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, तो मैंने तो अभी शायद डाउनलोड किया, मैं और एक क्रिएट कर सकता हूँ ना, चलो मैं और एक क्रिएट कर सकता हूँ। आई थिंक दो एक्टिव कीज चलती है, तो हमें किस चीज के लिए चाहिए? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। सबको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? बोलो यस क्या कर सर रहे हैं, बताओ, कोई भी बताओ, एक बताओ बताओ, आदित्य बोल रहे थे आप कुछ? AWS का CLI हमें एक्सेस करना है, तो वो हाँ CLI बराबर, एक्सेस करने से पहले हमें की चाहिए होती है कनेक्ट करने के लिए, तो राइट वो की हम कर रहे हैं राइट, डाउनलोड। मतलब AWS कॉन्फिगर करते टाइम हमें एक्सेस की सीक्रेट एक्सेस की चाहिए, इसीलिए वो जनरेट कर रहे हैं हमने, क्योंकि क्रिएट नहीं किया था। बाकी लोगों को समझ में आया अभी आदित्य ने क्या बोला, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो अपनी कीज किसी को शेयर मत करो, ठीक है। तो मैं अभी एक स्टॉप शेयर करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं बस, ठीक है। तो आगे क्या करना है देखो, चलो ये कॉपी कर लेते हैं, सीक्रेट एक्सेस की मैं अनशेयर करके कॉपी करूंगा, वैसे मुझे कॉपी करने की ऐसी जरूरत नहीं है, पहले से ही वो दे रहा है, लेकिन ठीक है चलो, मैं अभी के लिए अनशेयर करता हूँ। आपको आपकी सीक्रेट की डालनी है आप, यहाँ
2 सेकंड के लिए अनशेयर कर। यस, वांट टू कंटिन्यू द सेम रीजन, डिफॉल्ट रीजन है इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट ठीक है, जैसे वी आर ओके विद इट। हाँ ठीक है, तो मुझे यूजर डिलीट करना पड़ेगा शायद बाद में, ये दिख ही रही है यहाँ पे सीक्रेट की। एक्सेस करने का ट्राई मत करो अभी के लिए ठीक है, इससे डोंट यूज दिस की। हेलो, हाँ बोलो। फिर से बताएंगे क्या सीक्रेट की कैसे एक्सेस करना है? हमने यहाँ से देखा ना अभी, क्रिएट किया ना हमने, देखो आप CSV फाइल भी डाउनलोड करके रख सकते हो उसकी ठीक है। देखो हम कहाँ पे आए थे, IAM में आए थे हमने, अपने यूजर यूजर में हम लोग, तो आप देखो IAM में ना यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये वाला ऑप्शन यस क्विक लिंक्स में, यस क्लिक ऑन दैट, कम हियर, एक्सेस की में क्रिएट एक्सेस की, मेरी दो क्रिएट हो चुकी है अभी, तो आई डोंट हैव, सो एट टाइम मैक्सिमम टू एक्टिव और इनएक्टिव एक्सेस की कैन बी क्रिएटेड विद वन यूजर ठीक है, तो मेरी दोनों क्रिएटेड है इसलिए मैं थर्ड नहीं क्रिएट कर पाऊंगा ठीक है अभी। और एक बात याद रख लो कि जब एक्सेस की क्रिएट करते हो ना तभी के तभी वो डाउनलोड कर लो या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा और नई एक्सेस की बनानी पड़ेगी ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि डाउनलोड CSV का ऑप्शन आया था जैसे मैंने डाउनलोड किया था, तो वैसे डाउनलोड कर लो लोकल में, नहीं तो अगर आपके मिस आउट हो गया है वो तो डिलीट कर दो वो वाली एक्सेस कीज और नहीं बनाओ ठीक है। समझ में आया ये चीज? यस ओके ठीक। ओके ठीक है, आप कर रहे हो क्या साथ में कोई भी, प्लीज कुछ लोग कर रहे हैं क्या बोलो। लेक्चर के साथ में कुछ परफॉर्म कर रहे हो क्या आप, यस यस सर। कर रहे हो ना ठीक है ठीक है। ये किया आपने, कॉन्फ़िगर किया AWS, एक कोई इश्यू आया किसी को नहीं राइट ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के आप कर लेना ठीक है, लेकिन ये कर लो बस ठीक है। तो अभी क्या करते हम लोग, अभी कुछ बेसिक IAM की कमांड्स ये करते हैं ठीक है। तो क्या है ना, आपको कमांड याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेसिकली ना ये हेल्प ऑप्शन आपको बहुत मदद कर देता है ठीक है। तो AWS IAM कोई भी सर्विस है ना, अभी AWS के कमांड्स कैसे है, AWS पहले डालना पड़ता है, बाद में सर्विस का नेम, बाद में जो जो यूटिलिटी कमांड में जो भी करना है हमें उसके फिर सिंटैक्सेस होते हैं। तो हम लोग ना हेल्प करके, हेल्प क्लिक करके ये देखो इसने ना सारी कमांड दे दी मुझे,
मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पाथ है ना, वो हमें यहीं पे पॉइंट कर देता है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा ज्यादा चीज कमांड्स देखनी है तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, आपको यूजर क्रिएट करना है यूजर क्रिएट करो, ठीक है। ग्रुप क्रिएट करना है, देखो क्रिएट हाइफन ग्रुप, ग्रुप की भी कमांड दिखी आपको, दिख रही है। तो आपको अगर क्रिएट हाइफन ग्रुप की कमांड के डिटेल्स देखने हैं तो क्या करोगे, सर आप म्यूट पे चले गए हो क्या? वॉइस नहीं आ रहा है। गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, कुछ इशू है मेरे एंड से, ठीक है, 2 मिनट दे दो मुझे, आई विल कनेक्ट बैक इन 2 मिनट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ ओके ओके ओके, यस। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके, फ्रीज हो गई थी मेरी स्क्रीन, ठीक है, ओके रुको, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे, ठीक है। AWS IAM हेल्प, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा था कि AWS IAM में हेल्प करके आपको सारी कमांड्स की डिटेल मिल जाएगी। अभी कमांड की भी पूरी डिटेल्स चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, आपको देखो अभी AWS IAM यहाँ पे अगर आपको क्रिएट ग्रुप करना है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और आगे फिर से हेल्प कर लो, तो वो कमांड के डिटेल्स भी दे देगा। देखो कि सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स कौन से हैं या फिर क्या चीजें डालनी है, वो सारी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। अब भी ना, हाँ अभी ये यहाँ से आप मोर मोर करके एंटर दबा के पूरी कमांड देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से बाहर जाने के लिए कंट्रोल सी दबाओ, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या सबको? CLI समझना थोड़ा डिफिकल्ट है यार, इतना एक्सपेक्ट मत करो कि इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि कमांड्स हमें समझ में नहीं आते। कितने लोगों को समझ में आया, मैं अभी थोड़ा रैंडमली पूछ ही लेता हूँ क्योंकि मुझे भी चाहिए एक अवेयरनेस। केशर दीप चौधरी, यस सर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में अभी? यस सर, बोलो क्या चल रहा है, क्या क्या लिया हमने आज, मतलब पूरे डिटेल में मत जाओ, बेसिक चीजें क्या कवर किया हमने आज, एटलीस्ट 2 चीजें तो बता दो। सर लिनक्स का कमांड लाइन ने बाकी चीज़ गोष्टी तय करो तो अपन हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो कुछ प्लीज। कमांड लाइन लिनक्स के कमांड लाइन कुछ कर रहे थे हम
क्या कर रहे थे कुछ कुछ मतलब? मतलब इससे पहले कुछ इश्यूज आ रहे थे जो तुमने चैट जीपीटी पे सॉल्व किया। ओके, और मतलब हमने लिनक्स कहाँ से, मतलब EC2 इंस्टेंस में जाके लिनक्स की कमांड डाले, राइट? यस सर। तो दो कमांड बताओ कोई भी। ध्यान दे रहे थे क्या आप? एम के डायरेक्टरी से करे सम हाँ, MKDR, और एक कमांड कोई याद नहीं सर। हाँ याद नहीं है? ओके ठीक, नो एम के प्रॉब्लम। डी आर एक कर रहे थे सर, हम वहां से कर रहे थे हम। अच्छा ठीक है, तो मतलब ध्यान दे रहे हो क्या? ठीक, हाँ दे रहा सर। चलेगा, नो नो इश्यूज। ठीक है, ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें हैं आपको, मतलब ये कमांड है, ठीक है? PWD, LS, लिस्ट करना, ये बेसिक कमांड है। और शिवसाई पाटिल, अनम्यूट करो खुद को। शिवसाई, आर यू देयर? अच्छा, बोलने वाले हो? ठीक है, छोड़ो। विकास बनकर, यस सर। यस। समझ में आ रहा है आपको क्या पढ़ाया यस जा रहा सर। यस सर। है? हमने EC2 में लॉगिन करने के बाद कमांड्स ली, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं? अभी सर हम सेल आई का कौन से कमांड अवेलेबल है वो देख रहे हैं सर। अच्छा, तो उसके पहले क्या करना पड़ता है CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए? आपको क्या समझ में आया अब तक? सर हमने क्रिएट एक्सेस की यस, फिर उससे डब्ल्यू कॉन्फ़िगर करके उससे हाँ, डब्ल्यू एस आई एम हेल्प करके अवेलेबल कमांड दे। ओके ओके। उसके पहले ना, मेरे इसमें AWS CLI डाउनलोडेड है, लेकिन यस आपको यस वेबसाइट पे जाके AWS CLI का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसके बाद ये सब चीजें CMD पे करनी है। नहीं तो आपके पास AWS CLI का एक्सेस नहीं होगा तो वो कमांड नॉट फाउंड आएगा, ठीक है? AWS यस कॉन्फिगर सर। करोगे, ठीक है? मतलब यस समझ में आ रहा है, ठीक है? एटलीस्ट ध्यान तो दे सर। रहे हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ, ठीक यस सर। है? चलो, मुझे सिर्फ वही पता करना है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। क्लास में पूरा क्लियर होना एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि नहीं होता है, ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है? हेलो यस, सर, ओके। CLI डाउनलोड कर दिया है फिर भी वो AWS कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा इंस्टॉल किया है क्या आपने, डाउनलोड करके उसको? है। यस सर। शेयर करो स्क्रीन, रुको। स्क्रीन विजिबल है। हाँ अरे, आप कर क्या रहे हो? ये कहाँ पे हो आप? अच्छा, बाहर आ गए हो डाउनलोड्स में। दिखाओ मुझे, आपको इंस्टॉल कहाँ किया है आप? पूरी स्क्रीन ठीक करना पड़ेगा। साउंड ऑफ डिवाइस तो डाउनलोड किया है वो किधर, अपना इंस्टॉल तो किया है SLS। हाँ, एक बार ये CMD ये करो, क्लोज करो, नया खोलो। ओके
इधर फिर अपना इंस्टेंसेस चालू करना पड़ेगा ना। क्यों इंस्टेंस शुरू करना पड़ेगा? हमें इंस्टेंस से कॉन्फ़िगर नहीं करना है, हमें नॉर्मल पावर शेल से ही करना है। AWS कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर GURES, यस एंटर यस एंटर। नॉट ओके रिकॉग्नाइज एज नेम ऑफ CMD लेट, क्या है ये? ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। आपने इंस्टॉल कहाँ किया है दिखाओ, फिर से एप्लीकेशन दिखाओ। एक करो AWS हाइफन हाइफन वर्जन करो चलो। अरे स्पेस दो, स्पेस 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 स्पेस, AWS के बाद स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। ओके ठीक है, आपने ओके इंस्टॉल ही नहीं हुआ है CLI तो। ओके मैं फिर से ट्राई कर। दिखाओ ना, इंस्टॉल शेयर तो करो। शायद मेरा खाली यही स्क्रीन शेयर है। हाँ तो अनशेयर करो, फिर से फुल शेयर, फुल स्क्रीन शेयर करो, स्पीकर। क्या हुआ देव कृष्णा? उधर फुल स्क्रीन का ऑप्शन। अरे जब शेयर कर रहे हो ना, ये ऐसे शेयर होता है ना, हाँ तो वहां पे सिर्फ स्क्रीन पे क्लिक करो, शेयर करो, ओके अब विंडो पे मत क्लिक करो। ठीक है हाँ, भी हो रहा है। ओके तो चेंज करो विंडो। हाँ दिख रहा है अभी। कहाँ किया आपने? एक डाउनलोड करके मैंने ये वाला अच्छा ठीक है, नहीं हो गए तो नेक्स्ट नहीं जा रहे। इंस्टॉल्ड है क्या? रिमूव हाँ करो, रिमूव करो, फिर से इंस्टॉल करेंगे आप। रिमूव करो, किसी का सक्सेसफुली हो गया है क्या? हाँ सर वो है हो रहा है ना? क्या किया आपने? सर। नॉर्मली इंस्टॉल किया CLI, MSI फाइल थी क्या वो? हाँ सर MSI फाइल थी, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया, रन भी हो रहा है सर प्रॉपर। रन हो रहा है, यस सर कॉन्फ़िगर हो रहा है हाँ हो AWS। रहा है सर। हाँ हो रहा है सर। ओके तो इनके इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, देखते हैं हम लोग। बहुत ओह प्लीज एडवाइज। टाइम ले रहे हैं ना? तो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर नीचे कुछ बैक नहीं वो नहीं। कंप्लीट ही नहीं हो रही है एक्शन ना, रिमूविंग बैकअप फाइल।
फाइल अभी फिनिश, ठीक है। चलो यही अभी फिर से करो ना। करो करो इंस्टॉल करो इसको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। नहीं ठीक है चलो, ये भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट करो, आई एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ नेक्स्ट, हाँ और हाँ इंस्टॉल। आप सब केस में पाइथन इंस्टॉल्ड है क्या? यस सर, यस सर, केस में है ना? शायद एक पीप इंस्टॉल की भी कमांड है यार, AWS CLI कॉन्फ़िगर करने की। चेक करो एक बार चैट जीपीटी पे, पीप इंस्टॉल मतलब पाइथन अगर इंस्टॉल है, पाइथन पैकेज मैनेजर की कमांड है पीप इंस्टॉल AWS CLI, ऐसा कुछ है। एक बार चेक करो कुछ मिल रहा है क्या। आप ना आप मत करो, आप आपका काम करो, बाकी लोगों को अच्छा बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ मैं उतने टाइम तक, ओके अगर कुछ फिगर आउट हो रहा है देखो कमांड देखो। इसको मिलता है खुद का नाम बताना और कमांड के बारे में बताना, ठीक है। यस हो गया सर, हो गया, जाओ इसमें। कमांड प्रॉम्प्ट ना। विकास अनम्यूट करके भी बोल सकते थे आप, रहा था इसलिए नेटवर्क नहीं गई। नेटवर्क नहीं है। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। क्या था? पीप इंस्टॉल AWS CLI था राइट? यस सर, ओके ठीक है, ट्राई करके देखो। आप तो नॉर्मल ट्राई करो, बाकी लोग हाँ करो, चलो आप भी करो कमांड तो एंटर करो सर। AWS CLI हो गया, AWS CLI है क्या? चलो ट्राई करो, हाँ करो ना एंटर मार। या हाँ हो रहा, ठीक चलो। अगर डिपेंडेंसी से मतलब इंस्टॉल करके नहीं करना है तो यहाँ से करो, अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो। यस ठीक है हाँ चलो एंटर मारो, बाहर जाओ। कंट्रोल सी, नहीं हो रहा है ना, कंप्लीट होने हो रहा लगा। है, भी हो रहा है। हाँ करो AWS कॉन्फ़िगर। नॉट रिटर्न। अरे आपने कैंसिल कर दिया क्या पूरा? ये एरर आ रहा है ना यहाँ पे, एरर ऑपरेशन कैंसिल पे यूजर, कंट्रोल सी दबाया था। अच्छा फिर से करो, चलो पिप इंस्टॉल AWS CLI करो, अभी कंप्लीट होने को पूरा। यस उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद सक्सेस दिखाने के बाद फिर आप करो। हो गया सक्सेसफुली मैनेज? नहीं, हुआ नहीं आपको। हेलो। यस हाँ सीक्रेट एक्सेस की के लिए मतलब दूसरा यूजर क्रिएट करके उसको IAM का फुल एक्सेस देकर उसकी सीक्रेट एक्सेस की कॉपी करनी है ना। फुल यस यस, IAM का एक्सेस देना पड़ेगा, IAM का एक्सेस देना एक्सेस पड़ेगा। देना IAM का न्यू यूजर को। हाँ यस दे दो, पॉलिसी अटैच कर दो ना, IAM फुल एक्सेस यस यस कर, यस यस वो कर दो। हाँ यस यस, ये मैं भूल गया था, अभी आपको IAM की कमांड भी अभी यूज करनी है ना, जैसे AWS IAM क्रिएट यूजर, आप यूजर यूज कर रहे हो ना तो उसमें IAM की परमिशन होनी चाहिए राइट? यूजर को तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं है, तो हम लोग यूजर से, वो यूजर के CLI से हम लोग IAM की कुछ चीजें क्रिएट करेंगे तो उसको IAM का एक्सेस होना चाहिए राइट? क्योंकि हम, मैंने जो यूजर क्रिएट किया था उसको सिर्फ S3 फुल एक्सेस दिया था राइट, बराबर? ओके यस
तो हमें ना जो भी सर्विस यूज करनी है उस यूजर से, उसका एक्सेस वहां पे देना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है? ठीक यस है, तो जाओ यूजर को अपडेट करो, उसकी पॉलिसी को अटैच करो एक IAM की। अगर EC2 को भी करना है, हमें EC2 की भी कमांड करने हैं, तो EC2 की भी पॉलिसी लगाओ। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो। अभी तो फिलहाल सिर्फ IAM की पॉलिसी अटैच की है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ अभी के लिए, हाँ ठीक है, तो अभी के लिए IAM कमांड्स वर्क होंगे। EC2 करना है तो EC2 की करनी पड़ेगी। बाकी लोगों को ओके समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं अब आप ट्राई करो देव कृष्णा, सर, हो गया नहीं AWS इंस्टॉल? कॉन्फिगर करो, इसके बाद बोलता हूँ मैं, रुक जाओ बस। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ कि कहाँ क्या करना पड़ेगा। ठीक है चलो, डालो एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की अनशेयर करके डाल दो अभी। ठीक है, ओके अनशेयर करो स्क्रीन। हाँ, चलो मैं क्या बोल रहा था, अभी किसी ने पूछा ना कि IAM की परमिशन देनी पड़ेगी, राइट? तो देखते हैं हम लोग, ये देखो हमारा यूजर है। इसके पहले ना हमने जब यूजर क्रिएट किया था, तब सिर्फ मैंने जो यूजर किया था क्रिएट, user1, सिर्फ S3 फुल एक्सेस दिया था, राइट? लेकिन मुझे पता था आपको कि डेमोन्स्ट्रेट करना है मुझे एक्सेस कीज करने, एक्सेस कीज दिखानी है क्रिएट करके, राइट? तो मैंने इसको ना परमिशंस लगा ली कि ये देखो, एक पॉलिसी लगा ली थी मैंने, देखो ये देखो IAM फुल एक्सेस, क्योंकि मुझे इस यूजर को अगर कुछ भी सर्विसेज का एक्सेस देना है तो उसको पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी। अगर मुझे अभी EC2 के कोई कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं तो यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी मुझे EC2 की एक फुल एक्सेस पॉलिसी, EC2। समझ में आ रहा है ये? किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? बोलो बोलो, फिर से बता दो, बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो। समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना? अरे किसी यस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो ऐसे लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट एक दो लोगों ने किया ना, तो समझ में आ जाता है कि ठीक है यार, जो बात बोली गई है वो कन्वे तो हो रही है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है पूछो, कुछ इश्यू नहीं है। समझ में आया ना हम लोग को IAM एक्सेस क्यों देना है? क्योंकि जो हमारा यूजर है IAM यूजर, उसके क्रेडेंशियल्स यूज करके यहाँ पे लॉग इन करने वाले हैं, और उससे हम लोग सर्विसेज एक्सेस करने वाले हैं, तो उस यूजर को तो परमिशंस होनी चाहिए उस सर्विस के एक्सेस की, IAM और EC2 की, राइट? तो हमने इसीलिए यस उसकी पॉलिसी अटैच कर दी वहां पे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? AWS कॉन्फिगर, AWS IAM। ठीक है चलो, ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं बेसिक ग्रुप। AWS IAM है ना? क्या था कमांड? क्रिएट हाइफन ग्रुप, बाद में ग्रुप नेम, हाइफन 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 ग्रुप हाइफन नेम, इसके बाद जो ग्रुप का नाम देना है ना आप दे दो। चलो ग्रुप मतलब क्या है ये? डेटा हाइफन एनालिस्ट। ठीक है, हो रहा है क्या? देखते हैं हम लोग ये डेटा। हो गया, देखो ग्रुप क्रिएट हो गया। अब लोग, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी यूजर को इसको उसमें डालेंगे। चलो ठीक है, हम लोग ज्यादा कमांड देखेंगे नहीं, आपको बेसिक कमांड्स एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखो, कमांड याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। आप जब काम करोगे ना, तब आपको कोई पूछेगा नहीं, कि या फिर इंटरव्यू में भी नहीं पूछेगा कि ये कमांड क्या है बताओ, कोई नहीं पूछेगा। जस्ट टू नो कि CLI से चीजें की जा सकती है, CLI AWS IAM हेल्प करके हमें कमांड्स देखी जा सकती है, और कौन सी चीजें CLI से की जा सकती है वो चीजें हमें समझ में आ जाती है। हर एक चीज जो कंसोल से हो सकती है, ऑलमोस्ट सारी चीजें CLI से हो सकती है। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे पास कंसोल का एक्सेस होगा कंपनी में, तो हम लोग इतना ज्यादा सीएलआई यूज नहीं करेंगे। अगर ऑटोमेशन करना है उसके लिए भी हम लोग बोटो 3 यूज करेंगे, जो एसडीके ऑप्शन है ना AWS एक्सेस करने का, उसको यूज करेंगे। इतनी ज्यादा यूजफुल चीज तो नहीं है सीएलआई, लेकिन फास्टर है, टू बी ऑनेस्ट काफी फास्ट है। देखो कितने कम टाइम में ग्रुप क्रिएट हो गया वहां पे यार, सिलेक्ट करते बैठो इतना, ठीक है ना। एड यूजर बट टू, यहाँ पर सर जब अभी जो ग्रुप क्रिएट किया उसको कोई पॉलिसी अटैच नहीं हुई ना? हाँ तो वो तो करना पड़ेगा, हाँ अलग से करना पड़ेगा, बराबर है, वो अलग से करना पड़ेगा। अटैच पॉलिसी करके सिंटैक्स होगा, आई एम अटैच पॉलिसी ऐसे, ठीक है। वो देख लो, AWS हेल्प करके बहुत सारी कमांड्स है, देख लो एक बार। इतने ज्यादा कमांड्स की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत नहीं है, बस बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए कि AWS CLI कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? क्या था हमारा user 1 था, राइट? user 1 2 ग्रुप हाइफन नेम, क्या था हमारे ग्रुप का नाम? डेटा हाइफन एनालिस्ट, ठीक है, कर लिया क्या? करेक्ट, एनालिस्ट user 1, आई एड user 2 ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में यूजर ऐड हो गया, तो लिस्ट यूजर की भी कोई सिंटैक्स होगा ग्रुप के, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अटैच पॉलिसी बोला ना, तो आई थिंक अटैच हाइफन पॉलिसी करके भी एक कमांड है, ठीक है। तो IAM में थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लोर करो, हाउ टू क्रिएट अ यूजर, बेसिक ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, यूजर को ग्रुप में डालना कैसे है, ग्रुप को पॉलिसी कैसे अटैच करनी है, यूजर को पॉलिसी कैसे अटैच करनी है, ठीक है। और यूजर की पॉलिसी लिस्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या, देख लो। ग्रुप की पॉलिसीज लिस्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, ठीक है। पॉलिसीज डिलीट करने का कोई ऑप्शन है क्या, देख लो। ये तो बेसिक चीजें हैं, इतना ही करो, इससे ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बोलो ना। तो यस बहुत ज्यादा, क्योंकि ना बहुत सारी कमांड है, अगर आप इसमें चले जाओगे ना, ये ओशन है, ठीक है। आपको अगर सीएलआई का एक्सेस होगा तो पॉलिसी तो वहीं से क्रिएट करोगे यार, यहाँ से क्यों करोगे? यहाँ पे ना पॉलिसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है क्या? एक पहले खुद का जेसन बनाओ, जो सीएलआई से ही बनाओगे, सॉरी इससे बनाओगे, यूआई से बनाओगे, कंसोल से, और उसकी फाइल सेव करो, और ये उसका पाथ यहाँ पे दो। उससे अच्छा है तुम डायरेक्टली कंसोल से ही करो। हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ना कंसोल का एक्सेस नहीं है, तब आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन उस केस में। लेकिन मैंने तो इतना अच्छे से सुना नहीं है कि बेसिक चीजों के लिए सारी सबको होता ही है कंसोल का एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस होता है, बहुत लिमिटेड सर्विस का होता है, लेकिन कंसोल एक्सेस होता है, ठीक है। चलो, तो IAM की हो गई कमांड हमारी, EC2 की क्या कर सकते हैं हम लोग? EC2 का एक्सेस दे दिया है। अभी ये मत लेके आना कि सर EC2 का मेरा फेल हो रहा है। बहुत लोग क्या करेंगे, IAM की पॉलिसी अटैच करेंगे, EC2 की करना भूल जाएंगे, और यहाँ पे EC2 को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। ऐसे मत करो। तो कभी भी ना कोई भी प्रॉब्लम है उसको देखो कि मैंने प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं, उसको रिविजिट करो और पॉलिसी अटैच करो, ठीक है। तो हम लोग ना लिस्ट इंस्टेंस कर सकते हैं इसका, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस इसमें EC2, अभी मेरे को कमांड नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? AWS EC2 हेल्प, ठीक है, कुछ कमांड्स आएंगी, एंटर एंटर करके नीचे जा सकते हो आप। दिख रहा है EC2 क्या कमांड है? हाँ, वॉल्यूम अटैच करने की कमांड है, देखो आप किसी इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो वॉल्यूम, बहुत सारी कमांड्स यहाँ पे, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हो, देखो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे देखो स्नैपशॉट की कमांड है, इमेज की कमांड है, AMI क्रिएट कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ कल के सेशन का? EMI, AMI, स्नैपशॉट, कुछ याद आ रहा है यस यस सर ना? यस सर, ठीक है, इसने कल प्रैक्टिस करके देखी है क्या? AMI क्रिएट करना,
उससे इंस्टेंस क्रिएट करना, स्नैपशॉट क्रिएट करना, वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करके उससे वॉल्यूम क्रिएट करना, ट्राई आउट किया है किसी ने? मुझे तो लगता नहीं है किसी ने किया होगा। वैसे कोई भी होगा 74 में से एक तो होगा कोई जो सीरियस है। किसी ने नहीं किया सच में यार, कोई तो होगा यार, किसी ने तो किया होगा, कुछ भी नहीं ट्राई किया है क्या? ये है क्या? बाकी लोगों ने नहीं किया है? ये है सर, वो स्नैपशॉट वाला बाकी है, मतलब वो नहीं किया था यार। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग बहुत तेज जा रहे हैं ना, तो हमें ना एटलीस्ट दत्ता सर को मुझे बताना पड़ेगा कि इनको समझ में नहीं आ रहा है सर, ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है? तो हमें दत्ता सर को बताना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अगर नहीं कर रहे हो तो फ्रेंकली बताओ, टाइम नहीं मिल रहा है, एक दिन में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो दत्ता सर आपको सोल्यूशन देंगे उसका कुछ ना कुछ, ठीक है? आइदर वो मुझे बोलेंगे कि स्लो जाओ, या फिर आपको बोलेंगे कि फास्ट करो, ठीक है? तो बता बता दो कि हो रहा है या नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, ठीक है? चलो हैंड रेस कर दो। बोलने में बहुत दिक्कत आती है लोगों को कि अनम्यूट करके बोलने में, मतलब हेजिटेशन आता है। हैंड रेस कर दो, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया है इन सब चीजों का कल के सेशन का, तो आई विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग कर पा रहे हैं और कितने, या फिर बहुत फास्ट हो रहा है सारी चीजें। सर एक्चुअली फेस्टिव सीजन के से थोड़ा कल का नहीं हुआ, बाकी कंप्लीट कर दिया है, बस कल का ही थोड़ा पेंडिंग है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो तो देखो हो सकता है कभी कभी एक दिन दो दिन गैप पड़ एक्चुअली सकता माय है, दैट्स नॉट डॉटर इज आल्सो फीलिंग नॉट वेल सो। ठीक है वो देखो, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो एक दिन का आपको एक दो दिन का ठीक है इशू हो गया होगा, वो आप बाद में कवर कर लोगे, लेकिन बाकी लोग तो है ना, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है हैंड रेस करते के करने के टाइम पे तो बहुत लोग हैंड रेस करते हैं, बोलने के टाइम पे एक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है क्या? रिस्पॉन्ड करा करो यार, एटलीस्ट निगेटिवली करो पॉजिटिवली करो, आई डोंट माइंड, लेकिन बाकी लोग बोलते क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आता है। हेजिटेशन है क्या कुछ बोलने में? हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो, ठीक है? क्योंकि देर आर वेरी फ्यू पीपल हु टॉक इन क्लास, हाँ हु रिस्पॉन्ड ऑल्सो, एंड अंटिल अनलेस यू आर आस्क्ड, आपको ऐसे लगता है क्या सेशन में बोलना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, ठीक है? लिमिटेड बोलो लेकिन बोला करो, जब बोला है ना, पूछा गया है ना, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने किया होगा तो वाई नॉट? मैं ऐसे कुछ आपको ऐसे लग रहा है क्या मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या किया है? तो क्वेश्चन पूछा भी तो कुछ गलत नहीं है ना, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको आएंगे आंसर्स उसके, ठीक है? तो थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दिया करो, सिर्फ 27 लोगों ने प्रैक्टिस की है 72 लोगों में से, ठीक है? चलो ठीक है करो, लोअर करो, मतलब कर तो रहे हो थोड़े बहुत लोग। सर को क्या है, जनवरी में 20 लोग चाहिए बस, उतने लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने लोग सर को मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है? हमें क्या था, डिस्क्राइब करना था ना, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस करके है क्या? हाँ डी आ गया, डिस्क्राइब, यस डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, चलो लोग करते हैं उसको। हमारा कोई इंस्टेंस एक्टिव है देख लो, है चलो ये आना चाहिए हमें सीएलआई में, कंट्रोल सी बाहर जाते हैं इस टू डिस्क्राइब हाइफ़न इंस्टेंस, राइट?
हाँ देखो हमारे जो एक्टिव इंस्टेंसेस है ना वो आ गए यहाँ पे, दिख रहा है? ये देखो इंस्टेंसेस, उसकी इमेज आईडी है, इंस्टेंस आईडी है, देखो हम लोग ये इंस्टेंस आईडी यही है, वेरीफाई कर लो, सेम इंस्टेंस आईडी 0BD 0BD1। समझ में आया क्या किया हमने अभी? बोलो। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है। बाकी के कमांड्स थोड़े बहुत कर लेना यार, जैसे कुछ इंस्टेंस क्रिएट करना है करके देखो एक बार, इंस्टेंस यहाँ से क्रिएट, CLI से क्रिएट करके देखो, और डोंट फॉरगेट टू टर्मिनेट इट लेटर ऑल्सो। ठीक है, तो टर्मिनेट का भी कमांड यहीं से करके देखो। ठीक है, तो मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे ना IAM के 10 से 12 कमांड चाहिए जो बेसिक कमांड है, ठीक है, और EC2 के एटलीस्ट 15 to 20 कमांड्स करो। मतलब याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, लेकिन उसके प्रैक्टिस करनी, मतलब रेफरेंस ले लो, ChatGPT से उठा लो, AWS के डॉक्यूमेंटेशन से उठा लो, या फिर आपके कमांड प्रॉम्प्ट से हेल्प करके यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, उससे ले लो, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। आई वॉन्ट टू सी कि कौन से कमांड किए आप। यू शुड मेंटेन वन नोटपैड फाइल जिसमें आपने ये प्रैक्टिस की है, और उसका आउटपुट भी फेस्ट कर लो। जैसे इंस्टेंस रनिंग है, आपने डिस्क्राइब इंस्टेंसेस किया है, तो ये आउटपुट कॉपी कर लो। एटलीस्ट 4-5 कमांड के लिए मुझे आउटपुट दिखाओ, ठीक है? 20 कमांड्स प्रैक्टिस करो, ठीक है? एक दूसरे को शेयर करो कि ये कमांड इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे, ये कमांड नहीं है। कौन सी कमांड की प्रैक्टिस करनी है जो फंक्शनैलिटी हमने कवर की है, जैसे EC2 में क्या क्या किया है, इमेज बनाना, ठीक है, स्नैपशॉट बनाना, या फिर इंस्टेंसेस बनाना, ठीक है, इंस्टेंसेस टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, रिस्टार्ट करना, और क्या है, और क्या कवर किया हमने EC2 में? यार आप सब आज इतने ठंडे क्यों पड़ गए हो, फेस्टिव मोड में हो क्या? क्या था? और की पेयर बनाना, की पेयर बना के देखो, सिक्योरिटी ग्रुप बना के देखो, ठीक है? ये सारी चीजें मिलके आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे, 15 कमांड तो हो ही जाएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा बताइए, कि आप थोड़े यूज टू हो जाओगे कि कमांड्स कैसे है, कौन से पैरामीटर्स। इससे फायदा क्या होता है, आपको ना पता चलता है कि कौन से पैरामीटर्स देने, ठीक है? चलो आई थिंक हमने सारी चीजें आज की, मैंने जो डिसाइड किया था एटलीस्ट कवर कर ली है, ठीक है? तो हम लोग वेडनेसडे से S3 शुरू करने वाले हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू प्रैक्टिस इन दिस 2 डेज अबाउट CLI एंड इट्स कमांड्स, ठीक है? और पीछे की भी जो चीजें रह गई है, कल की छुट्टी मिल रही है आपको, कवर कर लो यार, क्योंकि डेली सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, फास्ट पेस भी फास्ट होता जाएगा, तो आप फिर नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है? मैं तो BOTO3 जब इंट्रोड्यूस करूंगा, अंटिल अनलेस आपकी CLI की प्रैक्टिस नहीं होगी और आपकी पहले की चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तो मैं ना BOTO3 इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, ठीक है? BOTO3 में पढ़ाने वाला ही नहीं मैं, तब चेक करूंगा कितने लोगों को क्या चीजें आती है। अगर कोई और डिफिकल्ट चीज इंट्रोड्यूस करनी है तो बेसिक तो आने चाहिए। आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 75-80 लोग हैं यहाँ पे जो सेशन में रहते हैं। अगर इसके 80% लोगों को अगर चीजें क्लियर नहीं है, तो मैं BOTO3 पूरे सिलेबस में ही नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? याद रखो ये चीज, क्योंकि BOTO3 इंट्रोड्यूस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आ रहे तो, ठीक है? क्योंकि उसमें आपको पाइथन बेस्ड कोड लिखने हैं, कनेक्शंस करने हैं, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये अगर बेसिक कंसोल से हमें चीजें नहीं आ रही है, या फिर CLI की बेसिक कमांड से नहीं आ रही, तो BOTO3 इंट्रोड्यूस करने का फायदा नहीं है, ठीक है? तो याद रखो, एंश्योर करो कि प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं तो पहले वेरीफाई करूंगा कि कितने लोग कर पा रहे हैं। अगर 80% लोग कर पा रहे हैं, तो देन एंड ओनली देन आई प्रोसीड विद BOTO3 पार्ट, ठीक है? S3 के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं BOTO3 कराऊंगा इन 2-3 सर्विसेज का। अदरवाइज हम लोगों ने 2 वे तो कवर कर लिए है, ठीक है? तो विल गो अहेड विद, ठीक है? चलो आज कोई क्वेश्चंस, कोई इश्यूज, कोई डाउट्स कुछ और? सर यस।
सर जैसे आपने बोला ना कि आई एम यूजर यूजर वन का आपने एक्सेस की एंड सिक्योरिटी की देने के बाद ही उसके जो जो भी उसको सर्विसेज अलाउड किए हैं उसी पे हम कमांड लाइन के जो होते हैं एक्टिव वो कर सकते हैं ना। वैसे बराबर वैसे यूजर टू का अगर हम ले तो उसके भी एक्सेस की और देने के बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। देखो क्या है प्राची, आप ना AWS की कोई भी फंक्शनैलिटी में एंटर करते समय अगर CLI से भी कर रहे हो तो यू आर एंटरिंग विथ सम क्रेडेंशियल्स राइट। तो वो यूजर वन की क्रेडेंशियल्स उसकी एक्सेस की और सिक्रेट एक्सेस की है, यूजर टू की खुद की एक्सेस की सिक्रेट एक्सेस की हाँ है, वही रूट सर मुझे यूजर पता। की अलग है बराबर। हाँ जिसके आप AWS क्रेडेंशियल्स मतलब की और सीक्रेट एक्सेस की डालोगे उस यूजर में आप लॉग इन करोगे तो ओके उसके पास जो भी परमिशंस है अवेलेबल उसके हिसाब से आप वो परफॉर्म कर पाओगे। समझ यस में आपको? ठीक हाँ सर ठीक है, यही आपका डाउट था राइट? हाँ यस सर मीन्स यूजर वन के भी जो पॉलिसीज उसको अटैच की है मीन्स सर्विसेज उसको अलाउड किया मीन्स IMA का फुल दिया होगा EC2 का फुल दिया होगा तो EC2 के और IMA के हम परफॉर्म कर सकते हैं यस उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते अगर यूजर नहीं कर वन। पाएंगे, हाँ जो यूजर जिस हाँ चीज की परमिशन है उतना ही कर पाओगे ठीक है, नहीं तो परमिशन डिनाइड आएगा सपोज राइट। ग्रुप में दूसरा कौन सा यूजर है उसको उससे भी ज्यादा होंगे तो उसके परफॉर्म करने के लिए उसको भी एक्सेस की से पहले यस उसको करना पड़ेगा एक्सेस की सर। से तो लॉगिन करना ही पड़ेगा लेकिन उसको खुद की परमिशंस भी चाहिए राइट। यस सर थैंक यस यू। और कोई डाउट, कोई कंसर्न? कि बहुत हेवी हो रहा है ऐसे मैंने सुना है, कि कल का सेशन बहुत हेवी हुआ था ऐसे मैंने सुना है, ऐसा है क्या कुछ कि एक दिन में बहुत ज्यादा चीजें कवर हो रही है? बोलो कि प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? कंसर्न रेस करो, कुछ थोड़ा इश्यू सा नहीं। हो रहा था लेकिन पहले वो थेरोटिकल जा रहे थे तो प्रैक्टिकल थोड़े पीछे रह गई है मैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखो कैचअप तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो सर ने बोला है ना कि टाइम कम है हमारे पास, टाइम बहुत कम है। 2 महीने मुझे सर ने बोला है कि जिनमें 2 महीने में सारी चीजें खत्म कर दो, सारी चीजें मतलब पूरा AWS आता है उसके बाद एयरफ्लो भी करना है हमें। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो कि देर आर सर्टन सर्विसेस आई वॉन्ट टू टेक ठीक है, जैसे अगर एयरफ्लो हमारा कवर हुआ और कम टाइम में कवर हुआ तो आई आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग स्टेप फंक्शन ऑल्सो ठीक है। तो स्टेप फंक्शंस के साथ अगर वो भी अच्छे से कवर हो रहा है टाइम में तो लेग फॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इससे ना आपकी मतलब ज्यादा सर्विसेज बढ़ानी नहीं है लेकिन ये जो चीजें कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग दे सकती है आर्किटेक्चर की वो चीजें लेने का ट्राई करूंगा। लेकिन अगर हमारा यही आगे बढ़ते रहा, इस यही हमारा सिलेबस है टू बी ऑनेस्ट ठीक है, ये लेग फॉर्मेशन और स्टेप फंक्शंस, ये तो मैं खुद सोच रहा था कि कम टाइम में अगर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंटरेस्टेड है और कुछ सीखने के तो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप कितने जल्दी कर पाओगे, उसके हिसाब से आपका कवरेज हो, नहीं तो हमारे सिलेबस का पार्ट तो हम लोग एनीवे कंप्लीट तो करने ही वाले हैं ठीक है, तो उसके हिसाब से तो स्पीड रहेगी यार। हम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये तो बेसिक ही सर्विसेस है बहुत सारी, तो इसमें अगर आपको दिक्कत आ रहा है ना तो आगे तो हमारा पेस रहेगा। तो कैसा है ना, आप अगर दिन में 10 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद बोल रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू कवर इट, देन वो ठीक है उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से बोल रहे हो कि आई एम पुटिंग 2 आवर्स इन द स्टडी एंड आई एम नॉट एबल टू कवर इट, देन वो हमारा कंसर्न नहीं है राइट। दत्ता सर ने आपको क्लियरली बोला है कि 10 से 12 घंटे मिनिमम डालने पड़ेंगे तो ही आपकी दिन की चीजें कवर होंगी। ऐसा कोई है कि 10 से 12 घंटे डाल रहा हो तो भी नहीं हो? बोलो, अगर है तो मैं उसका स्टडी मैनेजमेंट करके दे दूंगा कि 10 से 12 घंटे में कैसे नहीं होता है। बोलो कोई है ऐसे? हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है, मैं कुछ उसको डिनाई नहीं करूंगा, हो सकता है कुछ किसी के इश्यूज आ सकते हैं, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ सकती है। आप डर के मत बोल, मतलब डरो मत, मुझे सच में जानना है कि 10 से 12 घंटे कोई डाल रहा है और उसको नहीं जानते, मुझे जानना है बस उनका शेड्यूल जानना है बेसिकली, और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट बताऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो टाइम को।
बोलो बोलो, हमारे पास 5 मिनट है तो मुझे चाहिए फीडबैक। अगर बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग तो एटलीस्ट मैं कुछ सजेस्ट कर सकूंगा कि दिन में कैसे कवर करना है। आई विल वेट फॉर 1 more minute देन विल एंड द मीटिंग। ठीक है, बोलो प्रशांत। हाँ सर, जसं मी आता जॉब करतोय, मला हाँ टाइम मॅनेज होत नाही, म्हणजे स्टडी करायला प्रॉपरली कसं करू मी? प्रशांत देखो, टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप कर रहे हो जॉब? नाही सर, आता इश्यू काय आहे, आता मी जीसीपी वरती काम करत आहे ते हाँ कंपनीमध्ये, ओके आणि मला जीसीपीचं म्हणजे मोस्टली आता 50% मला ते पण कव्हर करायचं आहे, कारण कंपनीमध्ये ते मी यूज करतो काय क्यूबरनेटेस सर्व्हिस क्लस्टर वगैरे, हाँ हाँ ते पण त्याची पण स्टडी चालू आहे आणि याची पण चालू आहे, तर देखो मग ते प्रशांत, मला देखो खूप कन्फ्यूज होत आहे की नक्की काय ऍक्च्युली पिकअप कसं करायचं AWS. आपको अगर बैकग्राउंड है जीसीपी में तो आप में आपके यहाँ पे भी तो इंस्टेंस वाली सर्विस है क्या? क्या नाम हाँ है? यूज करतो है हाँ ना, तो आपकी तो अंडरस्टैंडिंग इजियर होनी चाहिए ना, आपको तो ना, परफॉर्म करने की भी। इजी म्हणजे अंडरस्टँडिंग आहे, समजतं मला, हाँ पण मला मग आता ज्यावेळेस मी AWS ओपन करतोय त्यावेळेस ज्यावेळेस क्रिएट करतोय, क्रिएट वगैरे सगळं करतोय, सगळं होत आहे, ओके पण मग ज्यावेळेस आपल्याला प्रॅक्टिस लागते ना की आपण ही सर्व्हिसेस यूज करतोय कंटिन्युअसली, तर मग याच्यात हे फंक्शन्स असे इथं युटिलाइज झाले पाहिजे, इथं पॅकेजेस म्हणजे पॉलिसीज ऍड करता आले पाहिजे, हे ते त्यात खूप कन्फ्यूज होतोय म्हणजे मी. ते जीसीपी, कारण तुमचं बॅकग्राऊंड जीसीपी मध्ये आहे, तर ऑफकोर्स जर 2 गोष्टी करत राहिलो आपण तर मे बी AWS करताना जीसीपीचं असं करायचं ते आठवत असेल, राईट? हो हाँ, तर आता तू तर ते तर तुम्हाला मॅनेज करायला लागेल। म्हणजे जेव्हा तुम्ही थोडं कॉन्शियसली विचार करा ना की आपल्याला सेशन मध्ये ज्या गोष्टी झाल्या आहे ना ते थोडं फॉलो करा ऍटलीस्ट, कारण आपण नोटपॅड मध्ये लिहून देतोय बऱ्याचशा गोष्टी, तर ती प्रोसेस फॉलो करा आणि 1-2 वेळा ट्राय करून बघा ना, जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा ट्राय करून बघा। माझ्या मते तुम्हाला सगळ्यात इझी केलं पाहिजे, यू हॅव क्लाउड बॅकग्राऊंड, यस तर सर. अंडरस्टँडिंग बिकम्स व्हेरी मच इझियर। ठीक है, क्योंकि जीसीपी और AWS में एज सच डिफरेंसेस नहीं है, प्रोसेस में डिफरेंसेस है, आर्किटेक्चरल और जो रिसोर्स बेस्ड चीजें है उसमें तो डिफरेंस नहीं है, वहां पे भी कोई फक्त ना कोई यूआय, वर्चुअल मशीन। मी आता जेवढं बघितलंय ना, फक्त यूआय डिफरन्स आहे, ऑपरेटिंग डिफरन्स आहे, बाकी तर आय एज एग्जैक्टली इट इज आहे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसकी जो भी सर्विसेस है वहां पे दूसरे नाम से है, बराबर? तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी थोड़ी कम प्रैक्टिस हो रही है, ट्राई टू ऐड एटलीस्ट 1 1 और 2 आवर्स, आपके बहुत सफिशियंट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो। अगर नहीं हो रहा है एक बार दत्ता सर से बात करो, वो बताएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे वो कि कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या करना है, आपको जॉब कंटिन्यू करना है या नहीं, कब कब तक कंटिन्यू करना है, ये सब चीजें वो दत्ता सर बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी अगर टाइम मैनेज करना है ना तो आपको देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको एडवांटेज है कि आपका बैकग्राउंड है, एटलीस्ट 2-3 घंटा डाल के आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है यस सर. ओके, और कोई और किसी का कोई कंसर्न? अरे बोलो यार बोलो, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 27 लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस की है, अगर कंसर्न नहीं है तो बाकी लोगों ने प्रैक्टिस क्यों नहीं की है फिर? चलो मैं ना नाम लेके बोलता हूँ, देखो टीनू तुरकर, टीनू आप हो क्या सेशन में? हाँ सर, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? सर, आपने हैंड रेस किया था क्या? वो ग्रेजुएशन 27 लोगों में थे क्या आप? किया अच्छा किया था, कैसे मैनेज कर रहे हो आपका टाइम? बाकी लोग जो मैनेज नहीं कर पा रहे उनको बताओ कैसे मैनेज कर। मैनेज, लगभग जो चीजें बता रहे हैं तो पहले तो उस पर थोड़ा मैं यूट्यूब पे देखता हूँ,
कैसे चीजें की जाती है, फिर उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके चेक करता हूँ, और कुछ एरर ठीक आया तो फिर सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसे ही करता हूँ सर ये प्रोसेस। ठीक है, चलो बाकी लोग भी ना थोड़ा ट्राई करो यार, कुछ लोग कर पा रहे हो और कुछ लोग नहीं कर पा रहे ना, तो मतलब फॉल्ट किसमें है आप ही देखो, ठीक है? तो ट्राई करो। चलो हम लोग, सेशन बहुत लंबा हो गया है, आज हमने सारी चीज जो चीजें कवर करनी थी कर ली है। लेट्स एंड द सेशन, विल मीट ऑन वेडनेसडे, ठीक है? विल स्टार्ट विथ S3 ऑन वेडनेसडे, ठीक है? चलो बाय गाइस, बाय सर, बाय सर, बाय थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सर।